नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का ब्रिस्टेक चैनल में स्वागत करता हूं। और मैं आज संधि टॉपिक लेके आया हूं और इस टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, विस्तृत इसके बारे में बात करेंगे कि ये होता क्या है, इसके प्रकार क्या है, ये कितने प्रकार से हो सकता है, क्यों इसका यूज करते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें और इस तरह की वीडियोज बहुत सारे हमारे इस चैनल में मिल जाएंगे, यूट्यूब चैनल ब्रिस्टेक में। ठीक, तो आज चलते हैं कि आज का हम पाठ शुरू करते हैं कि ये संधि होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं संधि। तो संधि का अर्थ है मिलना। ठीक, संधि का अर्थ है मिलना, दो वर्णों या अक्षरों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जब हम दो अक्षरों को आपस में मिलाते हैं, ठीक, और उनमें जो विकार उत्पन्न होता है, जो उनमें बदलाव होता है, उसे हम संधि कहते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं विद्या प्लस आलय, विद्यालय, दो वर्ण है विद्या और आलय। ठीक, तो इससे मिलके क्या होता है, विद्यालय। ठीक, यहाँ विद्या शब्द का आवर्ण और आलय शब्द के आवर्ण में संधि होकर आ बना है। ठीक, जब दोनों वर्णों के आ को लिया गया है तो एक आ बनाया गया है, जिनको आपस में मिला के विद्यालय शब्द बना दिया गया है। ठीक, अब संधि विच्छेद क्या होता है, हमने संधि जाना क्या होता है, मिलना। अब संधि विच्छेद क्या होता है, तो संधि शब्दों को अलग अलग करके संधि से पहले की स्थित में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। संधि का विच्छेद करने पर उन वर्णों का वास्तविक रूप प्रकट हो जाता है, जैसे विद्यालय में विद्या और आलय था, उसी तरह हिमालय में हिम और आलय है। जब हम हिमालय में दो वर्णों को अलग करेंगे, हिम और आलय, ये दो वर्णों से मिलके बनता है हिमालय, और जब हम इनको अलग करेंगे तो हिम आलय और आलय। ठीक, परस्पर मिलने वाले वर्ण स्वर व्यंजन और विसर्ग होते हैं। जो ये हिमालय वर्ण बना है, या इस तरह से बहुत सारे वर्ण बनते हैं जिनका हमको संधि विच्छेद करना होता है, तो ये तीन चीजों से मिलकर बना होता है, स्वर व्यंजन और विसर्ग। अतः इनके आधार पर ही संधि तीन प्रकार की होती है, यानी कि अगर ये स्वर व्यंजन और विसर्ग होते हैं तो इन्हीं को लेके संधि तीन प्रकार की बनाई गई है। वो कौन कौन से हैं देखते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वर संधि क्या होता है, फिर व्यंजन संधि क्या होता है और विसर्ग संधि क्या होता है। तो स्वर संधि में भी कुछ प्रकार से हैं और वो कौन कौन से हैं हम आगे पढ़ेंगे। पहले स्वर संधि जानते हैं कि होता क्या है। ये स्वर संधि जो होता है वही आगे चल के हमको पढ़ना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये स्वर संधि क्या होता है। ठीक, जहां दो स्वरों का परस्पर मेल हो उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक, जहां दो स्वरों का परस्पर मेल हो, स्वर बस, स्वर मतलब स्वर, ठीक, और व्यंजन जो होता है उनका मेल नहीं, सिर्फ स्वर का मेल, तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक, तो दो स्वरों का परस्पर मेल संस्कृत व्याकरण के अनुसार प्राय पांच प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं, पांच प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आ और आ मिलकर ये बनाते हैं। ठीक, और नीचे ई वर्ग आ वर्ग है, जिसमें छोटा मतलब लघु आ और दीर्घ आता है, और ई वर्ग में लघु ई दीर्घ ई आता है, और उ वर्ग में लघु उ और दीर्घ उ आता है, ए वर्ग में लघु ए दीर्घ ए आता है। ठीक, ओ वर्ग में लघु ओ और आओ आता है। ठीक, तो इन्हीं स्वर वर्गों के आधार पर संधि को पांच प्रकार में बांटा गया है। कितने प्रकार में बांटा गया है, संधि के पांच प्रकार होते हैं। तो पहला कौन सा है, दीर्घ संधि। हम एक एक करके स्वर संधि पढ़ेंगे। ठीक, तो जब दो समान स्वर या स्वर्ण मिल जाते हैं, चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो, या एक ह्रस्व हो और दूसरा दीर्घ हो, तो उनके स्थान पर एक दीर्घ स्वर हो जाता है, इसी को स्वर्ण दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो वर्ण है, स्वर्ण का मीन्स होता है वर्ण, और ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक, तो ये जो है ये ह्रस्व वर्ण है और ये दीर्घ वर्ण है, तो ये दोनों भी हो सकते हैं, या कि फिर ये और ये हो सकते हैं। ठीक, और ये भी हो सकता है। ठीक, तो इनके मेल से बनता है ये, मतलब लघु। तो
तो इसी तरह से हम एग्जाम्पल्स के आधार पर समझेंगे कि कितने एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ जो कि इनसे बने हुए हैं। जैसे राम में ये जो माँ है इसके अंत में आ आता है, माँ आ, ठीक। और अवतार में ये जो पहला वर्ड है आ, तो ये आ भी है, ठीक। इन दोनों के आ को मिला के बड़ा आ बनाया गया, जिसे रामावतार बनाया, ठीक। इसी तरह से सूर्य अस्त सूर्यास्त, दीक्षा अंत दीक्षांत, वर्षा अंत वर्षांत, जन्म अंत जन्मांध, श्रद्धा आलू श्रद्धालु, सभा अध्यक्ष सभाध्यक्ष, पुरुष अर्थ पुरुषार्थ, ठीक। इस तरह से बहुत सारे बन सकते हैं, हिम आलय हिमालय, ठीक। महा आशय महाशय, ठीक। माया माया आचरण मायाचरण, ठीक। दीपा अवली दीपावली, ठीक। तो इस तरह से बहुत सारे हैं दोस्तों, और इसमें आप बहुत सारे पढ़ सकते हैं देख सकते हैं, ठीक। शिव आलय शिवालय, ये भी सब इसी के उदाहरण हैं दीर्घ स्वर संधि के, ठीक। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट कि क्या होता है गुण स्वर संधि, ठीक। गुण संधि या गुण स्वर संधि दोनों हम बोल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये स्वर संधि के प्रकार हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है, आ या आ के बाद यदि ह्रस्व ई और उ रिस, यानी ह्रस्व मतलब छोटा, तो ई उ रिस अथवा दीर्घ ई उ रिस स्वर हो, तो उनमें संधि होकर क्रमशः ए ओ अर हो जाता है, तो इसे गुण संधि कहते हैं, ठीक। जैसे अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि गुण संधि क्या होता है, इसमें छोटा और बड़े सभी आ सकते हैं, ठीक। तो जब छोटा आ और बड़ा आ यानी ह्रस्व आ और दीर्घ आ के साथ ई और ई यानी दीर्घ ई आते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, ए। जैसे हम देखेंगे देव, देव में वा में जो है तो आ आ रहा है, और इंद्र में ई आ रहा है, तो ये दोनों मिलकर देव इंद्र यानी ए बना रहे हैं, देवेंद्र बना रहे हैं, नरेंद्र बना रहे हैं, सुरेंद्र बना रहे हैं, वीर इंद्र वीरेंद्र बना रहे हैं, ना इत नेत बना रहे हैं, ठीक। महा ईश महेश बना रहे हैं, नर ईश नरेश बना रहे हैं, राका ईश राकेश बना रहे हैं, लंका ईश लंकेश बना रहे हैं, ठीक। इस तरह के गुण स्वर संधि के उदाहरण होते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वृद्ध संधि। वृद्ध संधि क्या होता है, जहां पे ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद यदि ए ऐ हो तो इनके स्थान पर ऐ तथा आ, ह्रस्व आ और दीर्घ आ के बाद ओ औ हो तो इनके स्थान पर औ हो जाता है, ए तथा औ स्वर वृद्धि स्वर कहलाते हैं। मतलब इसमें जो है आ और ए के मेल से ए बनता है और औ बनता है। तो हम देखते हैं उदाहरण के माध्यम से कि कौन कौन से वृद्धि स्वर संधि हो सकते हैं। एक और एक एकाएक होते हैं, ठीक। इसी तरह से पुत्र ऐषणा पुत्रैषणा हो जाता है, अथा एव तथा एव तथा एव हो जाता है, हित ऐसी हितैषी हो जाता है, ठीक। अब आओ कोई बात देखते हैं, बन औसत बनौसत हो जाते हैं, छुटा हुआ है तो भी बना औसत, परम ओज परमौज हो जाता है, महाऔद महाओघ हो जाता है, दंतोष्ट दंतोष्ट हो जाता है, जो कि अपवाद है, ठीक। अब हम देखते हैं यण संधि, चौथा प्रकार है स्वर संधि का, यण संधि, ठीक। तो यण संधि क्या होता है, जब हस्र ई उ रिस या दीर्घ ई उ रिस के बाद कोई असमान स्वर आए, तो ई के स्थान पर या तथा उ के स्थान पर वा और रिस रिस के स्थान पर रा हो जाता है। मतलब इसमें तीन बदलाव आएंगे, एक या और दूसरा वा और तीसरा रा, ठीक। तब तो हम जानेंगे कि इनमें होता क्या है, कैसे अंतर होता है। तो यहां एक ध्यातव्य है कि लघुवी और दीर्घी या हस्व उ और दीर्घ उ स्वर तो या उवा में बदल जाते हैं, किंतु जिस भी व्यंजन में व्यंजन के ये स्वर लगे होते हैं वह संधि होने पर स्वर रहित हो जाता है। जैसे अभि और अर्थी, तो अभ्यार्थी, तनु और अंगी तनुअंगी, यहाँ अभ्यार्थी में या के पहले भा तथा तनुअंगी में वा के पहले ना स्वर रहित है। प्राय या व रा से पहले स्वर रहित व्यंजन का होना यण संधि की पहचान है, जैसे ई आ और या, ठीक। नी अस्त न्यस्त, बी अस्त व्यस्त,
वी आय व्यय, वी अष्ट व्यय व्यष्टि, ठीक इस तरह से बहुत सारे, नदी अर्पण नद्य अर्पण, पर्यंत पर्यंत, ठीक व्याप्त व्याप्त, अधि आय अध्याय, इति आदि इत्यादि, ठीक वी आदि व्याधि, नारी उचित नर्युचित, प्रत्युत्तर प्रत्युत्तर, प्रत्युत्पन्न प्रत्युत्पन्न, प्रति ऊह प्रत्यूह, ठीक सु अल्प स्वल्प, सु आगत स्वागत, सु आभास स्वाभास, अनुइच्छा अनविच्छा, ठीक अनुवेक्षक अनवेक्षक, पितृ आदेश पित्रादेश, ठीक पितृपदेश पितृपदेश। अब पचवा देखते हैं आयात स्वर संधि, ठीक आयात स्वर संधि क्या होते हैं अब ये हम देखने वाले हैं पचवा, ठीक ए ऐ ओ औ के बाद यदि कोई असमान स्वर हो तो ए का ऐ बन, और ऐ का आय, ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है, इसे आयात संधि कहते हैं। इनमें चारों का मीन्स अलग बताया है, ए का ऐ, ठीक ऐ का आय, और ओ का आओ और आओ का आओ हो जाता है, इसे आयात शब्द कहते हैं। जैसे देखते हैं आय आय आय, ने अन नयन, से अन शयन, गय अक गायक, गय अन गायन, दय अक दायक, सय अर सायर, ठीक गय इका गायिका, दय इनी दायनी, विधेय इका विधायिका, भो अति भवति, ठीक भो इष भविष्य, प्रस्ताव इत प्रस्तावित। अब हम देखेंगे व्यंजन संधि, भावुक भाविक। तो अब व्यंजन संधि क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि संधि के तीन प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन स्वर संधि और विसर्ग संधि। तो हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि क्या होता है, ठीक तो व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं, मतलब व्यंजन में स्वर और व्यंजन दोनों का जब मेल होगा तो व्यंजन संधि कहते हैं उसे। तो व्यंजन संधि में एक स्वर और एक व्यंजन या दोनों वर्ण व्यंजन होते हैं, इसके अनेक भेद होते हैं। व्यंजन संधि के प्रमुख नियम इस प्रकार है, अब हम देखेंगे नियम क्या होते हैं इसके। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई स्वर किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या रा ला वा हा में से कोई वर्ण आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे का गा होना, का गा होना, दिग अंबर दिगंबर का ग में बदल गया, दिग दर्शन दिग दर्शन, ऋग वेद ऋग्वेद, ठीक। अब हम नीचे देखते हैं दिग गयंत दिग्यंत, सम्यक ज्ञान सम्यक ज्ञान, वाद ज्ञान वाद ज्ञान, दिग भ्रम दिग भ्रम, चा का जा, ऋच अंत ऋजंत, अब टा का डा, अच अंत अजंत, टा का डा होगा खट खट, आनन खड़ानन, खट ट्रिप खड़ी खड़ी ट्रिपु, खट गुण खड़गुण, खट भुजा खड़यंत्र खड़यंत्र, खट राग टा का दा, जगत अंबा जगदंबा, सद्धर्म सद्धर्म, जगत इज जगदीश, सत उपयोग सत उपयोग सदुपयोग, भगवत गीता भगवत गीता भगवत गीता, ठीक सज्जन सज्जन, उत्लंघन उल्लंघन, उत्लास उल्लास, तल्लीन तल्लीन, तत्लीन तल्लीन, जगत जननी जग जननी, जगत जननी जगत जननी को जगत जननी बोला। यदि किसी वर्ण के प्रथम या तृतीय वर्ण के बाद किसी वर्ग का पंचम वर्ण रंगा या अड़ा ना मा हो तो पहला या तीसरा वर्ण भी पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे प्रथम तृतीय वर्ण प्लस पंचम वर्ण बराबर पंचम वर्ण, जैसे बाग्मय बाग बाड्मय, ठीक दिग नाग दिग नाग, सत नारी सन नारी, जगत नाथ जगन्नाथ, सत मार्ग सन मार्ग, उत्माद उन्माद, ठीक दिग्नाथ दिग्नाथ, बृहन्माला बृहन्माला। अब तीसरा रूल है ता या दा के बाद चा या छा हो तो, ता और या दा के स्थान पर चा जा या छा हो तो, हो तो ठा या ठा हो तो, टा ढा या ढा हो, ड्रा और ला हो,
तो ला हो जाता है, जैसे ता चा चत छा, ठीक हो जाता है। तो सत सत छात्र सत छात्र, ठीक। तो उच्चरित उच्चरित, शरत चंद्र सरचंद, उच्छिन उच्छिन, ठीक। तज्जन तज्जन्य, ठीक। उद्दयन उड्डयन, उत्लेख उल्लेख, उत्लास उल्लास, तत्लीन तल्लीन। चौथा है यदि ता या दा के बाद हा आए तो उनके स्थान पर ध हो जाता है, जैसे उतहार उद्धार, उतहित उद्धित, पतहति पध्यति, पतहरि पध्यरि, उद्धार उद्धार, तदहित तद्धित, उतहत उद्यत। पांचवा रूल है यदि ता या दा के बाद सा हो तो ता या दा का चा और सा का छा हो जाता है, जैसे ता दा सा इक्वल छज, ठीक। तो उत्श्वास उच्छ्वास उच्छ्वास, ठीक। सत्शास्त्र सक्षास्त्र, तत्संकर तक्षंकर, उत्श्रृंखल उच्छृंखल। यह छठवा है यदि किसी भी स्वर वर्ण के बाद छा हो तो वह सच हो जाता है, जैसे कोई स्वर छा या छा, अनुच्छेद अनुच्छेद, परिच्छेद परिच्छेद, विच्छेद विच्छेद, ठीक। आच्छादन आच्छादन, वृच्छाया वृक्षाया। यह अब सातवां रूल है यदि त के बाद सा हलंत हो तो सा का लोप हो जाता है, जैसे उत स्थान उत्थान, उत स्थित उत स्थित। आठवां रूल है यदि म के बाद का से भा तक कोई भी स्पर्श व्यंजन हो तो म का अनुस्वार हो जाता है, यदि म के बाद का से भा तक कोई भी स्पर्श व्यंजन हो तो म का अनुस्वार हो जाता है, या उसी वर्ग का पांचवा अनुशासिक वर्ण बन जाता है। तो म कोई व्यंजन म के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह, या उसी वर्ग का पंचम वर्ण, जैसे समचार संचार, ठीक। समकल्प संकल्प, संजीवनी संजीवनी, संतोष संतोष, ठीक। समधि संधि, समधि सम और धि संधि, संगति संगति, दो प्रकार के बनते हैं सभी में, ये हमने दिखा दिया। दम डा दम, ठीक। संक्षेप संक्षेप, ठीक। समकर समकर, संदेह संदेह। अब नौवां रूल है यदि माँ के बाद माँ आए तो माँ अपरिवर्तित रहता है, जैसे माँ माँ इक्वल मम, सम्मति सम्मति, सम्मोहन मोहन सम्मोहन, ठीक। सम्मुख सम्मुख। अब दसवां रूल देखते हैं क्या है व्यंजन संधि क्या, यदि म के बाद या रा ला वा सा खा सा हा में से कोई वर्ण आए तो म के स्थान पर अनुस्वर ना हो जाता है, जैसे दसवां रूल है यदि म के बाद या रा ला वा सा हा में से कोई वर्ण आए तो म के स्थान पर अनुस्वार ना हो जाता है, जैसे ये संयोग संयोग, संवाद संवाद, समहार संहार, ठीक। संरक्षक संरक्षक, संयुक्त संयुक्त। अब 11वां रूल देखते हैं यदि स से पहले आ या दीर्घ आ से भिन्न कोई स्वर हो तो स का खा हो जाता है, जैसे हम आगे देखेंगे वि सम विषम, निषेध निषेध, निषिद्ध निषिद्ध, अभिषेक अभिषेक, ठीक। अब इसमें कुछ अपवाद है, अनुसरण अनुसरण, अनुस्वार अनुस्वार, ठीक। अब 12वां रूल क्या कहता है यदि ख के बाद ता तथा था हो तो ख आधा वर्ण तथा ता के स्थान पर टा और था के स्थान पर ठा हो जाता है, जैसे त्रिश और ता, तुष्ट सृष और ती सृष्टि, खक था खक्ठ, पृष और था पृष्ठ। अब 13वां रूल क्या कहता है यदि द के बाद का ता था पा या सा आए तो द का ता हो जाता है, जैसे द का ता था पा सा और द की जगह ता, उदकोच उत्कोच, ठीक। मृत तिक्या मृत्तिका, संसद सदस्य संसद सदस्य, उपनिषद और काल उपनिषद का उपनिषद काल, ठीक। अब 14वां रूल क्या कहता है यदि रि और दा के बाद माँ आए तो दा का अड़ा हो जाता है, जैसे रिद और माँ अड़म,
मृणम मृद मूर्ति मृण मूर्ति। 15वां रूल क्या कहता है, यदि ई ऋ रा खा के बाद स्वर का वर्ग पावर्ग अनुस्वार या वा हामी किसी वर्ण के बाद ना आ जाए तो ना का ना हो जाता है। जैसे हम देखते हैं प्र और मान, तो प्रमाण, प्र और मान प्रमाण, भर और ना भरण, मतलब ना का अणा हो जाता है। नार आयन नारायण, तर न तरण, ठीक। बिस और नू विष्णु, रम राम आयन रामायण, ठीक। अब 16वां रूल क्या कहता है, यदि सम के बाद कृति कृति करण कार्य आदि में से कोई शब्द आए तो मा का अनुस्वार बन जाता है एवं सा का आगमन हो जाता है। जैसे समकृत संस्कृत, समकृति संस्कृति, दोनों में देखिए अलग अलग है, समकरण संस्करण, समकार संका संस्कार। 17वां रूल क्या कहता है, यदि पर के बाद कृति कार कृति करण आदि में से कोई शब्द आए तो संधि में पर के बाद खा में पर के बाद खा का आगम हो जाता है। जैसे परिकार परिष्कार, परिकृत परिष्कृत, परिकृत परिष्कृत। अब हम तीसरा देखेंगे कि संधि संधि में तीसरा प्रकार कौन सा है। पहला हमने देखा स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, अब तीसरा हम देखेंगे विसर्ग संधि। जहां विसर्ग यानी इसे हम इंग्लिश में कॉलन साइन बोलते हैं, तो के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग का लोप हो जाता है या विसर्ग के स्थान पर कोई नया वर्ण आ जाता है वहां विसर्ग संधि होती है। विसर्ग संधि के नियम निम्न प्रकार हैं, ठीक। विसर्ग संधि के भी नियम होते हैं जिस तरह व्यंजन संधि के नियम थे, तो हम देखेंगे कि कौन कौन से नियम होते हैं। तो पहला नियम देखते हैं, यदि आ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अंतः इस अवर्ण या रा ला वा हो तो आहा का ओ हो जाता है। जैसे आह किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या रा ला वा और आहा का हो तो मना वेग मनोवेग, ठीक। मना अनुभूत मनोभूति, पया निधि पयोनिधि, मना बल मनोबल, सरह जा सरोज, उरह जा उरोज, सिरह भाग शिरोभाव, ठीक। रजा गुण रजोगुण, मना विज्ञान मनोविज्ञान, मना दशा मनोदशा। अब दूसरा रूल क्या कहता है, यदि विसर्ग से पहले और बाद में आ हो तो पहला आ और विसर्ग मिलकर ओए, ये जो यश की तरह लग रहा है वो आ होता है, ठीक, ओए या ओ हो जाता है, तथा बाद के आ का लोप हो जाता है। जैसे आहा आ ओए ओ, यशा अर्थी यशो अर्थी ऐशो अर्थी, मना अनुकूल मनोकूल मनो अनुकूल, ठीक, मनोविराम, ठीक, मना अविराम मनोविराम, ठीक, परा अक्ष परोक्ष। तीसरा रूल क्या कहता है, यदि विसर्ग से पहले आ या दीर्घ आ से भिन्न कोई स्वर्ग स्वर तथा बाद में कोई स्वर किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या रा ला वा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। जैसे हा रा दु दु बल बल दुर्बल, आशी वाद आशीर्वाद, निर्मल निर्मल, बहि रंग बहिरंग, बहि मुख बहिर्मुख, नि अर्थक निरर्थक, आशी वचन आशीर्वचन, ठीक, निविघ्न निर्विघ्न, धनुधर धनुर्धर। अब चौथा रूल क्या कहता है, यदि विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग से पहले का स्वर्ग दीर्घ हो जाता है। जैसे हस्व स्वर रा का लोप व पूर्व का स्वर दीर्घ, निरोग निरोग, निरज निराज, निरस निरस, निरव निरव। पांचवा रूल क्या कहता है, यदि विसर्ग के बाद चा या छा हो तो विसर्ग का सा टा या ठा हो तो खा का ता था का सा हो तो सा हो जाता है। जैसे निश्चय निश्चय, निचिंत निश्चिंत, दुचरित दुश्चरित, तप तपह चर्या तप तपश्चर्या, कश्चित कश्चित, मन चिकित्सा मन चिकित्सा, ठीक, दुचक्र दुष्चक्र, ठीक, धनु टंका धनु टंकार धनुष टंकार, दुतर दुस्तर, नमः ते नमस्ते, भा कर भास्कर। अब छठवां रूल क्या कहता है, यदि विसर्ग से पहले ई या उ हो और बाद में का खा पा फा हो तो विसर्ग का खा हो जाता है।
जैसे निः कपट निष्कपट, दुः कर्म दुष्कर्म, दुः कर दुष्कर, निः फल निष्फल, निः पाप निष्पाप, चतुपद चतुष्पद। ठीक, हमने यहां तक देखा। अब सत्वा रूल क्या होता है? यदि विसर्ग के बाद सा खा सा हो तो विसर्ग ज्यों के त्यों रह जाते हैं, या विसर्ग का स्वरूप बाद वाले वर्ण जैसा हो जाता है। जैसे निःशुल्क निःशुल्क निःशुल्क, दुःशासन दुःशासन, निःसंदेह निःसंदेह, निःसंतान निःसंतान। ठीक, तो निसंकोच। आठवां रूल क्या कहता है? यदि विसर्ग के बाद का खा पा फा हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अंतःकरण अंतःकरण, सेम प्रातः काल उसी तरह से लिख दिया जाता है। अधा पतन, मनः कामना यदि अ के बाद विसर्ग हो। नौवां रूल, यदि अ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद अ से भिन्न कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और पास आए स्वरों में संधि नहीं होती। जैसे अह से भिन्न स्वर विसर्ग का लोप, अतः एव अतेव अतएव। ठीक, यहां पे अह की जो बिंदी है वो लुप्त हो जा रही है। रजा उद्यम रज उद्यम, यसा इच्छा यस इच्छा। ठीक, अब मैं डिस्कस करता हूं कि ये तीनों प्रकार हो गए संधि के। अब हिंदी भाषा की अन्य संधियां ठीक किस प्रकार से होती हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो हिंदी भाषा की अन्य संधियां किस तरह होती है? हिंदी की कुछ विशेष संधियां भी हैं। इनमें स्वरों का दीर्घ का ह्रस्व होना और ह्रस्व का दीर्घ हो जाना, स्वर का आगम या लोप हो जाना आदि मुख्य हैं। इसमें व्यंजनों का परिवर्तन प्रायः अल्प हो जाता है। उपसर्ग या प्रत्ययों से भी इस तरह की संधियां होती हैं। यह संज्ञा निम्न प्रकार है। हस्वीकरण आदि हस्व, इसमें संधि के कारण पहला दीर्घ स्वर हस्व हो जाता है। जैसे घोड़ा सवार घुड़सवार, घोड़ा चढ़ी घुड़चढ़ी, दूध मुहा कान कटा कनकटा। ठीक, काट फोड़ा कट फोड़ा, काटपुतली कटपुतली, मोटापा मोटा मोटापा। ठीक, छोटा भैया छोट भैया, लोटा भाई लोटाइया लुटिया। ठीक, इस तरह से भी उभय पद हस्व भी होते हैं। दोनों पदों के दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाता है। जैसे एक साठ इकसठ, काट खाना कट खाना। ठीक, पानी घाट पन घाट, ऊंचा नीचा ऊंच नीच, लेना देना लेन देन। अब दीर्घीकरण दूसरा होता है। इसमें संधि के कारण ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है और पद का कोई अंश लुप्त भी होता है। जैसे दीननाथ दीनानाथ, ताल मिलाना तालमेल, मूसलधार मूसलाधार, आना जाना आवाजाही, व्यवहारिक व्यवहारिक, उत्तराखंड उत्तराखंड, लिखना पढ़ना लिखा पढ़ी। ठीक, स्वास्थ्य स्वास्थ्य या स्वास्थ्य, वैदिक वैदिक, वसुदेव आ वसुदेव। स्वर लोप, इसमें संधि के कारण कोई स्वर लुप्त हो जाता है। जैसे बकरा ईद बकरीद। फिर व्यंजन लोप भी होता है, इसमें कोई व्यंजन संधि के कारण लुप्त हो जाता है। ठीक, सा या हा के बाद हा हलंत होने पर हा हलंत का लोप हो जाता है। जैसे इस ही इसी, उस ही उसी, यह ही यही, वही वही। खा, हा के बाद हा होने पर हा का लोप हो जाता है तथा बने हुए शब्द के अंत में अनुस्वार लगता है। जैसे यहा ही यही, वही ही वही, कहा ही कही। गा, बा के बाद हा होने पर बा का भाव हो जाता है, हा का लोप हो जाता है। जैसे अब ही अभी, तब ही तभी। आगम संधि, इसमें संधि के कारण कोई नया वर्ण बीच में आ जुड़ता है। जैसे खा आ खाया, रो आ रोया, ले आ लिया, पी ए पीजिए। कुछ विशिष्ट संधि के भी उदाहरण हैं। ठीक, नवरात्र नवरात्र, प्रणिन विज्ञान प्रण विज्ञान, शशिन प्रभा शशि प्रभा। ठीक, सृहद आ सौहार्द, प्रभु प्रभु, अप अंग अपंग। ठीक, उपनिषद मीमांसा उपनिषमांसा, गंगाए गांगे, विश्वमित्र विश्वामित्र, सीम अंत सीमांत। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएं, और हमारे इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इन वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो थैंक यू दोस्तों।